Microsoft Word recall type. Microsoft Word is an example of a program called a word procedure. Microsoft Word एक word procedure का एक example है. Word procedure are used to create and print text document in much the same way that you want to use a typewriter. Microsoft Word procedure का use किसी भी document को बनाने के लिए, print करने के लिए किया जाता है. The key benefit of word procedure is that you can make change easily, including correcting spelling, editing, deleting, formatting, and inserting image. Microsoft Word procedure में हम किसी भी documents को easily change कर सकते हैं, correction कर सकते हैं, spelling को change कर सकते हैं, editing कर सकते हैं, कुछ भी deleting कर सकते हैं, message को formatting कर सकते हैं, कोई भी insert image कर सकते हैं Microsoft Word में. Microsoft Word. Once you create a document, Microsoft Word में हम कोई भी document create कर सकते हैं. You can print it as many copy as you want. Microsoft Word में जो document create करते हैं, उसके many copy print कर सकते हैं. Save it for later modification. किसी भी letter को save करके उसमें modification कर सकते हैं. Send it to a friend via email. Email के द्वारा हम किसी भी letter को send कर सकते हैं friend को. Microsoft Word is a very powerful word processor. Microsoft Word एक very powerful word processor software है. ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करते हैं? क्लिक स्टार्ट बटन, क्लिक ऑल प्रोग्राम, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं फर्स्ट, सेकेंड हम ऑल प्रोग्राम पर, थर्ड हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड प्रोग्राम विंडो एलिमेंट. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम की विंडो का एलिमेंट्स. यू व्हेन यू लॉन्च वर्ड इट्स प्रोग्राम विंडो अपेयर ऑन स्क्रीन. जब मैं किसी वर्ड को ओपन करते हैं तो एक विंडो ओपन होकर आती है जिसमें सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, इसके बाद टैब्स होते हैं, फाइल, इंसर्ट, रिबन्स होता है, इसके बाद हमारा एक वर्किंग एरिया होता है जिसको डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं, स्क्रॉलर बार होता है साइड में, रोलर होता है स्केल, डाउन में हमारा स्टेटस बार होता है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सबसे ऊपर टाइटल बार है, फिर इसके बाद रूलर है, साइड में हेल्प बॉक्स होता है, रिबन्स होता है, व्यू बटन होते हैं, जूम्स के बटन्स होते हैं, एक डॉक्यूमेंट एरिया होता है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, टाइटल बार, हेल्प, जूम कंट्रोल, व्यू बटन, डॉक्यूमेंट एरिया, स्टेटस बार. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल टैब होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, टाइटल बार, हेल्प, जूम कंट्रोल, व्यू बटन, डॉक्यूमेंट एरिया, स्टेटस बार. द फाइल टैब. द फाइल टैब रिप्लेस द ऑफिस बटन एंड द फाइल मेन्यू इन ओल्डर वर्जन ऑफ ऑफिस. फाइल टैब ऑफिस बटन को रिप्लेस करके बना है और पहले वर्जन में फाइल मेन्यू की जगह फाइल टैब आया है. इट कंटेन्स रेगुलर कमांड्स लाइक न्यू, ओपन, प्रिंट एक्सेट्रा. फाइल टैब्स के अंदर हमारी मेन कमांड्स होती हैं जैसे न्यू, ओपन, प्रिंट एक्सेट्रा. द क्विक एक्सेस टूल बार. विद द क्विक एक्सेस टूल बार यू कैन ईजिली एक्सेस द कमांड. क्विक एक्सेस टूल बार के हेल्प से हम किसी भी कमांड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ईजिली. इट कंटेन्स सम मेन कमांड्स लाइक सेव, ओपन एंड रिपीट, बट यू कैन एड एनी कमांड यू वांट. क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ मेन कमांड्स रहती हैं, सेव, ओपन और रिपीट, और इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और भी कमांड्स को ऐड कर सकते हैं. टाइटल बार. द टाइटल बार कंसिस्ट ऑफ द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट. टाइटल बार में जो भी हमारी फाइल होती है ओपन, उस फाइल का टाइटल शो करता है. हेल्प. यू कैन यूज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प फॉर क्विक आंसर टू वर्ड 2010 क्वेश्चंस. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प बटन की हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चंस का आंसर्स, वर्ड की प्रॉब्लम्स का फाइंड कर सकते हैं. जूम स्लाइडर. इट अलाउ यू टू जूम इन एंड जूम आउट ऑफ ए डॉक्यूमेंट. जूम स्लाइडर की मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जूम इन और आउट करके देख सकते हैं, छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं. व्यू बटन. द व्यू बटन आर यूज टू व्यू द डॉक्यूमेंट. व्यू बटन का यूज किसी भी डॉक्यूमेंट के व्यू देखने के लिए किया जाता है. डॉक्यूमेंट एरिया. द डॉक्यूमेंट एरिया इज यूज टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट एरिया का यूज किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, किसी भी वर्ड्स, पैराग्राफ्स, लेटर, रिपोर्ट्स की टाइपिंग के लिए. स्टेटस बार.
It displays information such as the current page number, the number of words in the document. स्टेटस पास में किसी भी डॉक्यूमेंट जो ओपन है हमारा उसके पेज नंबर्स नंबर्स ऑफ वर्ड्स की इंफॉर्मेशन को शो करता है. रूलर रूलर शो द पोजिशन ऑफ मार्जिन इंडेंट्स एंड टेबल्स कॉलम इन द पेज. रूलर्स में हम किसी भी करंट डॉक्यूमेंट्स के मार्जिन इंडेंट्स टेबल कॉलम्स को शो कर सकते हैं देख सकते हैं. बेसिक फाइल टाइप ऑप्शन फाइल टाइप्स के बेसिक ऑप्शन न्यू ओपन सेव सेव एज क्लोज प्रिंट एग्जिट. न्यू टू ओपन ए न्यू ब्लैंक फाइल. जब हम न्यू ब्लैंक फाइल ओपन करते हैं तो इसके लिए हम क्या स्टेब्लिश करते हैं. क्लिक फाइल टाइप सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक क्रिएट. न्यू फाइल्स करने के लिए हम फाइल टाइप पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं. ओपन टू ओपन एन एग्जिटिंग फाइल. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एग्जिटिंग फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन यूज करते हैं. स्टेप क्लिक फाइल टाइप सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन क्लिक ऑन द फाइल नेम क्लिक ओपन बटन. फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम फाइल टाइप पर क्लिक करते हैं ओपन कमांड पर क्लिक करते हैं. इसके बाद फाइल नेम को सिलेक्ट करते हैं और ओपन बटन पर क्लिक कर देते हैं. हमारी फाइल ओपन हो जाती है. सेव टू सेव द चेंज इन द फाइल. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम क्लिक फाइल टैप सेलेक्ट द सेव ऑप्शन. फाइल टैप पर क्लिक करके सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं. सेव एज टू सेव द फाइल विद न्यू नेम. सेव एज फंक्शन का यूज सेव की हुई फाइल को न्यू नेम से सेव करने के लिए किया जाता है. क्लिक फाइल टैप सेलेक्ट द सेव एज ऑप्शन. फाइल टैप में सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं. टाइप फाइल नेम क्लिक सेव एज बटन. फाइल नेम को टाइप करते हैं और सेव एज बटन पर क्लिक करते हैं. क्लोज टू क्लोज ए फाइल. किसी फाइल को बंद करने के लिए क्लोज बटन का यूज किया जाता है. क्लिक फाइल टैप क्लिक क्लोज बटन. इसके लिए फाइल टैप पर क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं. प्रिंट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन पेपर. किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट पेपर पर निकालने के लिए प्रिंट कमांड का यूज करते हैं. क्लिक फाइल टैप सेलेक्ट प्रिंट ऑप्शन क्लिक प्रिंट बटन. इसके लिए फाइल टैप में प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं. एग्जिट टू क्लोज द वर्ड विंडो. विंडो को क्लोज करने के लिए एमएस वर्ड के एग्जिट फंक्शन का यूज करते हैं. क्लिक फाइल टैप सेलेक्ट एग्जिट ऑप्शन. इसके लिए फाइल टैप में एग्जिट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्टिंग द टेक्स्ट टू मॉडिफाई ए पीस ऑफ टेक्स्ट और टू चेंज एनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज यू शुड फर्स्ट सेलेक्ट इट. अगर हमें किसी भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है कलर चेंज करना है फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो फर्स्ट हम उसे सेलेक्ट करते हैं. बाय सेलेक्टिंग पीस ऑफ टेक्स्ट यू टेल्स वर्ड्स दैट यू वांट टू वर्क विद द स्पेसिफिक पीस ऑफ टेक्स्ट. जिस भी वर्ड को हमें की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो उस वर्ड्स को उस पैराग्राफ्स को उस लेटर को फर्स्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ता है. यूजिंग ए कीबोर्ड टू सेलेक्ट ए वर्ड. कीबोर्ड के हेल्प से हम किसी वर्ड को कैसे सेलेक्ट करेंगे. प्लेस द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट दैट यू वुड लाइक टू सेलेक्ट. सबसे पहले हम जिस लाइन या वर्ड को हमें सेलेक्ट करना है उसके स्टार्टिंग में कर्सर रखते हैं. होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस द एरो की इन द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट यू. इसके बाद हम शिफ्ट की प्रेस करते हैं और एरो की प्रेस करते हैं जिस डायरेक्शन में हमें वर्ड सेलेक्ट करना है उसी डायरेक्शन की एरो की को प्रेस करते हैं. वुड यू लाइक टू सेलेक्ट कंटिन्यू टू प्रेस द एरो की इन द टेक्स्ट यू वॉन्ट टू हाईलाइट इज हाईलाइटेड. इसके बाद हम एरो की को कंटिन्यू सेलेक्ट रखते हैं प्रेस करते हैं. जहाँ तक हमें वर्ड सेलेक्ट करना है वहाँ तक प्रेस करके छोड़ देते हैं. जितना वर्ड हमें हमारा सेलेक्ट होता है वो हाईलाइट होकर दिखाई देने लगता है. टू सेलेक्ट एन एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट. अगर हमें एक लाइन सेलेक्ट करनी है तब क्या करते हैं. प्लेस द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ यू वुड लाइक टू सेलेक्ट. अगर हमें किसी भी पैराग्राफ या लाइन को सेलेक्ट करना है लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर रखते हैं. होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस द एंड की. इसके बाद होल्ड डाउन हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और एंड की को प्रेस कर देते हैं. ऐसे हमारी वो लाइन सेलेक्ट हो जाती है. टू सेलेक्ट ए पैराग्राफ प्लेस द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ यू वुड लाइक टू सेलेक्ट. जो पैराग्राफ हमें सेलेक्ट करना है उसके स्टार्टिंग पर कर्सर रखते हैं. होल्ड डाउन द बोथ द कंट्रोल एंड शिफ्ट की एंड प्रेस द डाउन एरो की. इसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और डाउन की एरो की को प्रेस करते हैं तो हमारा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है. टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट. अगर हमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड प्रेस द ए की. इसके लिए हम कंट्रोल के साथ ए की को प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है. यूजिंग द माउस टू सेलेक्ट टेक्स्ट. माउस के हेल्प से टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करें. टू सेलेक्ट ए वर्ड
प्लेस द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट यू वुड लाइक टू सेलेक्ट, जो वर्ड हमें सेलेक्ट करना है उसके स्टार्टिंग पर कर्सर रखते हैं, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस ओवर द टेक्स्ट यू वांट टू सेलेक्ट। इसके बाद माउस के लेफ्ट बटन की का यूज करके मूव करते हैं तो हमारा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। रिलीज द माउस बटन एंड द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड, माउस बटन पर शो हो देता है हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। यूजिंग द माउस टू सेलेक्ट टेक्स्ट, माउस की हेल्प से टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करें, टू सेलेक्ट टेक्स्ट वर्टिकली, टेक्स्ट को वर्टिकली कैसे सेलेक्ट करते हैं। पोजिशन द माउस पॉइंटर टू लेफ्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट यू वुड लाइक टू सेलेक्ट, जिस वर्ड्स को हमें सेलेक्ट करना है उस वर्ड के लेफ्ट में हम माउस का पॉइंटर रखते हैं। होल्ड डाउन द ऑल्ट की, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट यू लाइक टू सेलेक्ट। इसके लिए हम ऑल्ट की को प्रेस करते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हैं। रिलीज बोथ द ऑल्ट की एंड द माउस बटन एंड द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड। इसके बाद हम ऑल्ट की को छोड़ देते हैं, लेफ्ट बटन भी छोड़ देते हैं और हमारा जो वर्टिकली टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है माउस की हेल्प से। अंडू, अंडू कमांड इज यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन ऑन द डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट में जो हमने लास्ट वर्क किया उस वर्क में वापस जाने के लिए हम अंडू कमांड का यूज करते हैं। स्टेप, क्लिक अंडू कमांड इन क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू कमांड पर क्लिक करते हैं। शॉर्टकट की, अंडू इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस जेड, अंडू कमांड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। रीडू, रीडू कमांड इज यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमने अंडू किया है वापस वही वाला फंक्शन हमें लाना हो तब हम रिपीट रीडू कमांड का यूज करते हैं। स्टेप, क्लिक रीडू कमांड इन क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में रीडू कमांड पर क्लिक करते हैं। शॉर्टकट की, रीडू इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस वाई, शॉर्टकट की है रीडू कमांड की कंट्रोल प्लस वाई। कॉपिंग टेक्स्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपिंग ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द लोकेशन टू अनदर इज ए वेरी यूजफुल फीचर ऑफ वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी फीचर वेरी यूजफुल फीचर है किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए। स्टेप, टू सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपी, सबसे पहले जिस टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है उसे सेलेक्ट करते हैं। क्लिक कॉपी इन द होम टैब क्लिप बोर्ड ग्रुप, होम टैब में क्लिप बोर्ड ग्रुप में कॉपी कमांड पर क्लिक करते हैं। पोजिशन द कर्सर वे यू वांट द टेक्स्ट टू बी कॉपी, जहाँ पर हमें टेक्स्ट कॉपी करनी है वहाँ पर हम माउस का पॉइंटर लेके जाते हैं। क्लिक पेस्ट इन द होम टैब क्लिप बोर्ड ग्रुप, क्लिप बोर्ड ग्रुप में पेस्ट कमांड पर क्लिक करते हैं। द सेलेक्टेड विल बी कॉपी टू द न्यू लोकेशन, हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट न्यू लोकेशन पर कॉपी हो जाता है। शॉर्टकट की, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, कॉपी कमांड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। मूविंग टेक्स्ट, कट पेस्ट, किसी भी टेक्स्ट को मूव करने के लिए हम कट और पेस्ट दो कमांड्स का यूज करते हैं टू मूव ए टेक्स्ट। स्टेप, टू सेलेक्टेड द टेक्स्ट टू बी कॉपी, सबसे पहले जिस टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है कट करना है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। क्लिक कट इन द होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। होम टैब में पोजिशन द कर्सर वे यू वांट द टेक्स्ट टू बी कॉपी, जहाँ पर हमें सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट कॉपी करना है वहाँ पर माउस का पॉइंटर लेके जाते हैं। क्लिक द पेस्ट इन द होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप में होम टैब में पेस्ट कमांड पर क्लिक करते हैं। द सेलेक्टेड विल बी कॉपी टू द न्यू लोकेशन, जब हमारा टेक्स्ट है सेलेक्टेड वो न्यू लोकेशंस में कॉपी हो जाता है और पहली जगह से रिमूव हो जाता है। शॉर्टकट की, कट कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, कट कमांड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स और पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी।